मेरा नाम जमीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 4 मई 2023 के करंट अफेयर्स। इस वीडियो के अंदर हम 4 मई 2023 के नेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना, ताकि ये जो आपके 4 से 5 मिनट है ये आपके लिए आज के दिन के प्रोडक्टिव साबित हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम जाए किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु रिसेंटली विंस द ओडीआई क्रिकेट सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड आफ्टर 12 इयर्स इन मई 2023। आपने बताना कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक ओडीआई क्रिकेट सीरीज जो है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट विन की है 12 साल के बाद मई 2023 के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान। तो ये चीज आपने याद रखना है कि पाकिस्तान विंस द ओडीआई क्रिकेट सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड आफ्टर 12 इयर्स इन मई 2023। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज भी आपको बताता चलो, जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट हो सकता है, कि पाकिस्तान जो है वो पहली बार जो है वो रैंकिंग पे टॉप पे आ गया है, जो कि हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। तो इस क्वेश्चन से हमें दो बातें सीखने को मिली कि रिसेंटली जो ओडीआई क्रिकेट सीरीज हुई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो पाकिस्तान ने विन किया है। कब विन किया? आफ्टर 12 इयर्स जो है वो विन किया है इस मई 2023 के मंथ में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई है कि पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली दफा जो है वो टॉप रैंकिंग पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन इज अ बायलेटरल एग्रीमेंट दैट वाज रिसेंटली साइंड बिटवीन द यूएस एंड विच कंट्री। अब आपको रिसेंटली जो है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन जो एक बायलेटरल एग्रीमेंट है वो दो कंट्रीज के दरमियान हुआ है। आपने बताना है कि जो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन जो कि एक बायलेटरल एग्रीमेंट है, ये कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान हुआ है? एक तो होगी यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी कंट्री का आपने नाम बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ कोरिया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है जो कि एक बायलेटरल एग्रीमेंट है, ये कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान एग्रीमेंट रिसेंटली साइंड हुआ है, तो ये हुआ है यूएस और साउथ कोरिया के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चाइना फॉरेन मिनिस्टर विल मेक अ 2-डे ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान फ्रॉम 5 to 6 मई 2023, व्हाट वाज हिज नेम। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दो दिन का ऑफिशियल विजिट पाकिस्तान से करेंगे 5 से 6 महीने, इनका नेम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है किन गैंग। सो किन गैंग जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है, he will make a 2-day official visit to the Pakistan from 5 to 6 May 2023. तो इनका नाम है किंग गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which US state has recently designated January as a Muslim Heritage Month? इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन सी यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट की एक स्टेट है जिसने रिसेंटली डेजिग्नेट किया है जनवरी को एज अ मुस्लिम हेरिटेज मंथ। तो इसका आंसर हमारे पास है न्यू जर्सी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट है जिसने रिसेंटली डेजिग्नेट किया है जनवरी को एज अ मुस्लिम हेरिटेज मंथ, तो वो है न्यू जर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बिलावल भुट्टो जरदारी विल अटेंड अ मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम एससीओ इन द इंडियन स्टेट ऑफ गोवा ऑन विच डेट। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो अटेंड करेंगे मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स की फ्रॉम द एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया स्टेट ऑफ गोवा में होगी, कौन सी डेट को वो मीटिंग अटेंड करेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है मई 4 to 5। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अटेंड करेंगे मीटिंग ऑफ अ फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम द एससीओ, कहां पे करेंगे? इन द इंडियन स्टेट ऑफ गोवा, और कौन सी डेट को करेंगे? 4 से 5 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री क्वालिफाइड फॉर द एशिया कप फॉर द फर्स्ट टाइम। इस क्वेश्चन के आपने बताना है कि कौन सी कंट्री ने एशिया कप जो है वो पहली दफा क्वालिफाई कर लिया है। तो इसका आंसर हमारे पास है नेपाल। सो नेपाल क्वालिफाइड फॉर द एशिया कप फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023। इस क्वेश्चन के अंदर आप बताएंगे कि किसको जो है वो प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 से ऑनर्ड किया गया है। तो इसका आंसर हमारे पास है अरशद शरीफ। ठीक है, तो अरशद शरीफ को जो है वो प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 से ऑनर्ड किया गया है। और आपने याद ये चीज भी याद रखनी है कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है 2023 का, वो कहां किसकी तरफ से होता है? वो होता है पीपीएफ की तरफ से। पीपीएफ की एब्रीवेशन है पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Who has become the world's highest paid athlete in 2023 by the Forbes? तो कौन जो है दुनिया का highest paid athlete बन गया है 2023 के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। So Cristiano Ronaldo has become the world's highest paid athlete in 2023 by the Forbes with a $136 million. तो अगर आपसे पूछा जाए कि world's का highest paid athlete कौन है, तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 4 मई 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।